तो आप सभी का इस नए वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एपिक स्टोर के ऊपर कौन से दो गेम्स फ्री टू क्लेम आए हैं। तो पिछले फ्राइडे मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर भी ये दोनों गेम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बट उस टाइम ये दोनों भी गेम्स फ्री टू क्लेम नहीं थे, वो बस कमिंग सून थे। बट कल यानी थर्सडे को ये दोनों गेम्स फ्री टू क्लेम हो चुके हैं। तो उसमें से एक गेम का ट्रेलर आप लोग बैकग्राउंड में भी देख सकते हो। आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप लोग ये दोनों गेम्स को क्लेम कैसे कर सकते हो। तो चलो फिर डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड इन दोनों गेम्स को हम लोग क्लेम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है एपिक गेम्स। और हाँ, ये पूरी प्रोसेस आप लोग आपके मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। फिर आपको जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी एपिक गेम्स की ऑफिशियल, उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो एपिक गेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये लोड होता है, तब तक के लिए वेट कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट लोड होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अगर आप लोगों के पास पहले से ही अकाउंट है एपिक गेम्स का तो आप लोग डायरेक्टली साइन इन कर लेना। अगर अकाउंट नहीं है तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना, आपको 2 मिनट लगेंगे न्यू अकाउंट क्रिएट करने को। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन करने के बाद भी आपके सामने सेम इंटरफेस आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको राइजिंग स्टॉर्म 2 ये वाला गेम दिख जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर आप लोग देख सकते हो कि आपको गेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली गेट के ऊपर क्लिक कर देना। तो गेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर लोड होगा। ऑर्डर लोड होने के बाद में आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देना। सो फाइनली आपने ये गेम को क्लेम कर लिया है, आपको ये गेम की रिसिप्ट भी आपके मेल के ऊपर आ जाएगी। तो अभी सेकंड गेम को क्लेम करने के लिए आप स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना, फिर बाद में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। फिर आप लोग जो फर्स्ट गेम देख सकते हो कि अब्जू है, वो भी फ्री टू क्लेम है, उसके लिए भी आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो करना जो आपने राइजिंग स्टॉर्म 2 ये गेम को क्लेम करने के लिए फॉलो किया है। मैंने इसे कल ही ओन कर लिया था, इसलिए यहाँ पे अभी ओन लिख के आ रहा है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो दोनों भी गेम्स हमने क्लेम किए हैं वो हमारे लाइब्रेरी में आ चुके हैं या नहीं। तो चेक करने के लिए आप सिंपली लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कर देना एंड आप लोग फर्स्ट गेम देख सकते हो कि वो आ चुका है एंड जो सेकंड गेम है राइजिंग स्टॉर्म वो भी आ चुका है। तो यही सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ये दोनों भी गेम्स को क्लेम करने के लिए। तो अभी मैं आप लोग को राइजिंग स्टॉर्म ये गेम से कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग ये गेम डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको नियर अबाउट आपके पीसी के अंदर 60 GB फ्री स्पेस लगेगा। तो अगर आप लोग ये गेम आपके पीसी के अंदर रन करना चाहते हो तो मैं आपको इसके कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिखा देता हूँ जो कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको लगेगा 4 GB ऑफ रैम, i3 प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड की बात कर ले तो NVIDIA GeForce GTX 460। ये तो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैक्सिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात कर ले तो आपको लगेगा 6 GB ऑफ रैम, i5 प्रोसेसर एंड NVIDIA का GeForce GTX 760 ग्राफिक कार्ड। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब बटन हिट कर दिया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर देना, सो डेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग बने रहिए यूट्यूब पे और भी कई वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।